चलिए, अलीशा का भी आ गया, कृष्णा का भी आ गया। बंद बंद कर दो इसमें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो हर बच्चे का हो गया है, तो इसमें मुझे कुछ कराना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन डन, मैं लिख भी देता हूं, आप बताते जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन भी डन हो चुका है सर। थर्ड क्वेश्चन में कोई डाउट है एडजस्टमेंट में? अभी जो भी डाउट हो ना आप पूछ लेना, मैं कराता चला जाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में डाउट? कोई भी स्टूडेंट हो, लाइव वाला स्टूडेंट हो या फिर, डाउट आपने लिख देना, ठीक है ना। बुक कौन सा है सर? जेआर मूंगा है बुक। आप सभी को परचेज करना है, नियर बाय शॉप से मिल जाएगा, नहीं तो मैंने चैट कमेंट में भी डाला हुआ है, ग्रुप में जाके देखेंगे आपको मिल जाएगा। बुक जेआर मूंगा है, और आप बुक जाके देखेंगे तो आपको कमेंट में भी मिल जाएगा उसमें, ठीक है ना। तुषार जेआर मूंगा, एक ही बुक है प्रोग्राम और ऑनर्स सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? क्वेश्चन फाइव, इसको मुझे करवाना है ना? नहीं दिया, चलो आज ये कर लेते हैं। चलो पहले हम इसको तो मैं ही कराऊंगा पूरा। इसमें बताइए डाउट। इसमें एक डाउट आया मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन जो आफ्टर वाला था ना आपका, आफ्टर वाला जो कि हम 5/105 करते थे, वैसे करोगे हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में एंटर, नहीं ये आफ्टर वाला नहीं है, बिफोर है। जब कुछ नहीं बोला हो तो बिफोर वाला है, ठीक है, ये बिफोर वाला होगा। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, फाइनल अकाउंट हमारा एंडिंग स्टेज पे है तुषार, और डाउट का आप एक बार चैट में भेजो, डाउट नंबर कौन सा गिवन है चैट में भेजो जैस्मिन, और किस पे सेंड कर रहे हो आप डाउट। चलिए इसमें एडजस्टमेंट तो है नहीं बताने वाला, ये हमने कर लिया। ये तो वीडियो आपको होगा ऑलरेडी, बस मुझे अरेंज करके बताना है, ये भी कर लिया हमने। आ जाते हैं हम, चलिए इस क्वेश्चन को होमवर्क में दिया गया था 11 को। मैं हर एक एडजस्टमेंट को अच्छे से समझा देता हूं और कर देता हूं, आपका काम रहेगा इसको करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, मैं यहां एडजस्टमेंट चलिए एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाते हैं और आपको समझाते जाएंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट कहता है स्टॉक का मार्केट वैल्यू और कॉस्ट, तो हमें यहाँ पे लेना होता है दोनों में से लोअर, तो यहाँ पे ये लिया जाएगा। तो एडजस्टमेंट नंबर वन, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अमाउंट, मैंने सीएस लिखा है क्लोजिंग स्टॉक को, लिखना है आपने 25,600, और ये अमाउंट कितनी जगह चले जाएगा सर? दो जगह जाना है, ये एक चला जाएगा ये ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और एक चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में, है ना। चलो जी,
दूसरे एडजस्टमेंट में सारे एडजस्टमेंट ऐसे कर दूंगा जिससे सिंपल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन करने में तो बहुत टाइम लगेगा। कहता है 6,000 रुपए पेड मिस्टर रेड अगेंस्ट बिल्स पेबल, डेबिट बाय मिस्टेक मिस्टर ग्रीन्स इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ सन्ड्री डेटर। हमने पेड किसको किया, हमने पेड किया है रेड जो कि बिल्स पेबल था, अगेंस्ट बिल्स पेबल। तो अब हमारा यहाँ पे सेकेंड एडजस्टमेंट में हमने बीपी पेड किया है, तो इसका करेक्ट क्या करना पड़ेगा, और गलती से बीआर कर दिया तो एक तो लेस हो जाएगा आपका बीपी में से, लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, और दूसरा क्या होगा सर, दूसरा लेस फ्रॉम डेटर। चेक करिए आप बुक में, चेक करते जाइए साथ के साथ। हाँ तुषार, नेक्स्ट चैप्टर से कर सकते हो, और बाद बाकी आप इसके साथ साथ लेके चल सकते हो। जैस्मिन का है कि सर मेरा 8 इलस्ट्रेशन में डाउट है, ये कौन सा चल रहा है हमारा इलस्ट्रेशन 11, अभी 8 भी देख लेते हैं क्या डाउट है। 8 कौन सा, मेरे ख्याल नोशनल रेंट वाला है ना। एडजस्टेड अभी देख लेते हैं आपका, ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 है कृष्णा, ये 11 है ना, ये 11 है इलस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए था। सेकेंड एडजस्टमेंट के बाद थर्ड एडजस्टमेंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, हमारा एक ट्रेवलिंग का खर्चा था, पेड करा था रिप्रेजेंटेटिव को, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मतलब सेल्समैन को 5,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 21 विच वॉज डेबिट पर्सनल अकाउंट इंक्लूड द सन्ड्री डेटर, जिसको हमने दिखाना था ट्रेवलिंग एक्सपेंस लेकिन मैंने दिखा दिया सन्ड्री डेटर में। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 सर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस सर ये दो जगह जाना है, एक तो इसी एक्सपेंस को आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा देंगे क्योंकि आपने दिखाया ही नहीं होगा जब आप डेटर मान चुके होगे तो, और दूसरा क्या करना है इसको डेटर में से माइनस कर देना है, लेस कर देना है किसमें से, डेटर में से। तो मैं एक एक करके डिटेल बताता जाऊंगा, आपको बस एडजस्टमेंट इंप्लीमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए सर एडजस्टमेंट नंबर 4 डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिटिंग 10%, तो एडजस्टमेंट नंबर 4 डेप्रिसिएशन हमारा 10% है, तो अगर हम डेप्रिसिएशन 10% की बात करें ये तो सिंपल सी बात है सर, लेस कर दोगे किससे, एसेट से, और दूसरा चला जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अमाउंट जो भी आए निकल के, अब अमाउंट तो नहीं निकाल सकते ना हम, ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, और इससे बाद देख लें कोई डेटर से रिलेटेड कोई बातें कर रहा है ये, और कोई बात नहीं है। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 प्रोविजन ऑन डेटर, सर ये दो जगह एंट्री चली जाएगी। अब 5% आपको डेटर में से निकालना है, लेस फ्रॉम डेटर, डेटर, और दूसरा कहां चला जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि ये एडजस्टमेंट का पार्ट है। जो मैं बता रहा हूं आप बता देना, समझ में आ रहा है ना क्या करना है, सिर्फ मैं एडजस्टमेंट करा रहा हूं ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। चलिए थोड़ा स्पेस बना लिया हम, अगले एडजस्टमेंट पे चलें। एडजस्टमेंट नंबर 6 गुड्स कॉस्टिंग 1500 यूज बाय द प्रोप्राइटर, तो एडजस्टमेंट नंबर 6 गुड्स यूज, हालांकि ये हमने पहले करा हुआ है, दो जगह एंट्री जाएगी सर, एक लेस हो जाएगा कहां से, परचेज से,
और एक लेस हो जाएगा कहाँ से सर, कैपिटल से, और कैपिटल से किस नाम से लेस होगा, एज अ ड्रॉइंग, और परचेज में से भी किस नाम से यूज होगा, एज अ ड्रॉइंग, दोनों जगह से माइनस हो जाएगा। चलिए, कहता है सैलरी इंक्लूड 1200 रुपए पेड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हु फर्दर एंटाइड टू कमीशन 5% ऑन नेट सेल। अब यहां पे बात करते हैं सैलरी में इंक्लूड है एडजस्टमेंट नंबर 7। आपको सबसे पहले यहां पे जानना पड़ेगा कि भैया यहां पे कमीशन सेल्स कितना है। पहले तो यहां पे आप बताइए मुझे बुक में देख के सेल्स कितने हैं। बिल्कुल, दोनों ही पढ़ना होगा कृष्णा। कितना है सेल्स दे रखा है हमें, 60,720। सेल्स बताना है, परचेज रिटर्न से क्या मतलब है सेल्स का। हाँ बिल्कुल, 59,720 माइनस करके, ठीक है, 59,720। अब आगे देखते हैं, कहता है कि सेल सैलरी, अब सैलरी भी बता दो कितना है। हाँ 16,780। कहता है भैया सैलरी में 12,000 रुपये पेड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हु फर्दर एंटायर्ड, सेल्स जो रिप्रेजेंटेटिव था यानी सेल्समैन एक तरीके से, उसको 12,000 रुपये सैलरी में जोड़ा हुआ है, यानी इसके अंदर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का है कितने जुड़े हुए हैं, 12,000। यहां से माइनस हो गया। अब यहां से माइनस करो चाहे मत करो, मर्जी है। अगर यहां से माइनस करोगे तो एक और न्यू कॉलम, एक और न्यू नाम से लिख दोगे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और यहां 12,000 लिखोगे। पहले तो इस 12,000 का निपटारा देखो, फिर हम बाद में बात करेंगे। इसका देखिए पहले, ठीक है, आपने माइनस कर दिया सेल्स में से, और दूसरी एंट्री अलग से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम से कर दिया, या फिर आप माइनस भी ना करें उसी में जुड़ा रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़े, हु फर्दर एंटायर्ड अ कमीशन ऑन नेट सेल्स। देखें यहाँ नेट सेल्स की बात चल रही है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो किसकी बात चल रही है सर, नेट सेल्स की बात चल रही है। यहाँ पे देखा जाए तो नेट सेल्स की बात चल रही है, तो नेट सेल्स पे 5% कमीशन। अब ये कमीशन इस पे मिलेगा, तो कमीशन जो इसका निकलेगा यानी 59,720 इंटू में 5/100। अब ये कमीशन दो जगह चला जाएगा, 2,986, ठीक है। अब इस कमीशन का अलग ट्रीटमेंट लेना है आपने, और इसका अलग ट्रीटमेंट ले लिया, और ये अलग से आ गया जी। अब ये जो कमीशन निकला है, एक तो इसमें ऐड हो जाएगा कमीशन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, यानी P&L के डेबिट में ही होगा ये भी, 2986। ये भी जो मैं काम कर रहा हूं ये कहाँ पे कर रहा हूं मैं, P&L के डेबिट में ही है, ठीक है। और दूसरा ये चला जाएगा सेकंड एंट्री बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग के नाम से। आउटस्टैंडिंग के नाम से देखिए आप आगे देखें, हाँ ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन कमीशन वाला करना पड़ेगा। कैसे होगी प्रॉब्लम, आप एक ही जगह से माइनस करके दो ही पे दिखा रहे हो, तो बात तो दोन ठीक है, इसे कहीं और लेके नहीं जाना लाइबिलिटी एसेट्स वगैरह में। चलिए साहब, अगली एंट्री स्टेशनरी चार्ज 1200 रुपये ड्यू ऑन 31, तो यहाँ पे ड्यू की बात कर रहा है, तो ड्यू है तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया, तो आउटस्टैंडिंग होने की वजह से एक तो लाइबिलिटी चला जाएगा, एक ऐड हो जाएगा स्टेशनरी, पुराने में अगर नहीं है तो सेम चला जाएगा। परचेज इंक्लूड ओपनिंग स्टॉक
परचेज में इंक्लूड है ओपनिंग स्टॉक वैल्यूड 7,000 रुपए, तो आपने क्या करना है, परचेज में से माइनस कर देना है एडजस्टमेंट नंबर 9। कहता है परचेज इंक्लूड है ना, कितने रुपए 7,000, तो दो एंट्री करो भाई साहब इसके। सर दो एंट्री क्या करोगे, एक तो लेस कर दोगे आप किसमें से और दूसरा ओपनिंग स्टॉक में दिखा दो, ऐड कर दो। अगले पे चलते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फर्दर एंटायर एक्स्ट्रा कमीशन 5% नेट आफ्टर चार्जिंग सच एक्स्ट्रा कमीशन, यानी पीएनएल में से जो फाइनल आंसर आएगा यानी 10वें एडजस्टमेंट का, सबसे पहले तो आप पीएनएल बनाएंगे कुछ इस तरीके से और सब कुछ लिख देना इसका, कमीशन रिप्रेजेंटेटिव का सब कुछ आ जाएगा। और जैसे मान लेते हैं कि मेरा जो जीपी है ये आ गया सपोज करो 2,00,000, और यहाँ पे सब कुछ कमीशन वगैरह पुराने वाला मान लेते हैं कि 50,000 आ गया। अब जो फाइनल प्रॉफिट आया है हमारा 1,50,000 का, इसके ऊपर कमीशन निकालना है 5/105, और जो ये कमीशन निकलेगा इस कमीशन को दो जगह दिखाएंगे, एक तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कमीशन के नाम से एक्स्ट्रा, और एक दूसरा आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और एक आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो यही काम करना है आपको इस एडजस्टमेंट के साथ। ये 10 के 10 एडजस्टमेंट हमने पूरे डिस्कस कर लिए, इसमें हो जाएगा क्वेश्चन, अब हो जाएगा, बताइए कोई डाउट। कमी आप पीएनएल मैंने बताया ना कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और बनाने के बाद सिंपली चार्ज करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है।